नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमदर्द साफी सिरप के बारे में जानकारी बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक रस ही नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो प्राकृतिक रूप से खून को शुद्ध करने में मदद करता है ताकि आपकी त्वचा दाग धब्बों से मुक्त और चमकदार रहे। यह त्वचा की समस्याओं के लिए एक प्रभावी उपचार प्रदान करता है, खून को अंदर से शुद्ध करता है और त्वचा को मुहासों और दाग धब्बों का कारण बनने वाले विषैले पदार्थों से मुक्त करने में मदद करता है। साफी सिरप का उपयोग रक्त की दुर्गंधता, त्वचा के उद्वेदन, मुहासे और पिंपल्स के इलाज में किया जाता है। साफी सिरप का उपयोग करने के निर्देश आपके डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें, उपचार के मात्रा और अवधि पर। उपयोग से पहले लेबल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें। इसे मापने के बाद मुंह के द्वारा लें। उपयोग से पहले इसे अच्छे से हिलाएं। साफी सिरप को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। हालांकि यह यदि आप हर दिन उसी समय लेते हैं तो यह सबसे अच्छा होता है। साफी सिरप के दुष्प्रभावों में सबसे अधिकांश दुष्प्रभाव हल्के होते हैं और जब आपके शरीर को दवा के समायोजन के रूप में समायोजित होने में समय लगता है तो वे चले जाएंगे। अगर वे नहीं जाते हैं या आपको चिंता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। साफी सिरप के उपयोग से उल्टियां, चक्कर या त्वचा में खुजली जैसी एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। दोस्तों बताते हैं कि आखिर साफी सिरप कैसे काम करता है। हमदर्द साफी सिरप के मुख्य घटक हैं साना, शीशम, गिलो, हरड, चिरैता, नीलकंठी, नीम तुलसी, चोपचिनी, कीकर, ब्राह्मी, कसनी, रेवंद, चीनी, कंड सफेद और शोरा देसी, जो यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सिरप के रूप में विपणित किया जाता है। क्या महिलाएं गर्भावस्था के दौरान हमदर्द साफी सिरप का सेवन कर सकती हैं? यदि आप गर्भवती हैं तो दवा का सेवन करने से समस्याएं हो सकती हैं। बहुत विशिष्ट सिफारिशों के लिए अगर आप गर्भवती हो या गर्भधारण करने की योजना बना रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें कि क्या आप गर्भावस्था के दौरान दवा की मात्रा पर होना चाहिए। क्या यह मेरे मुहासे के निशान मिटा सकता है? हमदर्द साफी सिरप आमतौर पर अंदर से खून को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त होता है ताकि रक्त से संबंधित मुहासे और पिंपल्स को समाप्त किया जा सके। मुहासे के निशान उचित उपयोग के साथ धीरे धीरे हल्के हो सकते हैं, हालांकि इसके बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करें। बहुत पुराने मुहासों के निशानों के मामले में सिर्फ असरदार नहीं हो सकता, इसे कितने समय तक उपयोग करना होगा। आपके डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार और जितनी खुराकें वह निर्धारित करते हैं वही कोशिश करें ताकि आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। क्या इसे उपयोग करना बंद कर सकते हैं अगर मुझे लाभ दिखाई ना दें? अधिकांश अध्ययनों के अनुसार लाभ को एक सप्ताह से एक महीने के इस्तेमाल करने से देखा जा सकता है, लेकिन उपयोग को बंद नहीं करना चाहिए। जैसा कि चिकित्सक ने सिफारिश की है और जितने दिनों के लिए उपयोग करने की सिफारिश की है उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यदि डायज नहीं पूरा किया जाता है तो दवा का सेवन बिना निर्धारित मात्रा को पूरा किए बाद में समस्याएं फिर से उभर सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नवीनतम अपडेट्स से अपेक्षित रूप से अवगत रह सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलें।